सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष हमें समय समय पर सत्संग की अमृत धारा बहाकर चेताते रहते हैं, हमारी हालत को बताते रहते हैं। प्रेमियों, महापुरुषों ने कुछ मनुष्य को पशु के समान माना है कि वे मनुष्य शरीर पाकर भी पशु ही हैं। अब मनुष्य कौन से और किस प्रकार के पशु हैं? प्रेमियों, महापुरुषों ने कुछ मनुष्यों को चार पशु के समान माना है। अब वो चार पशु कौन से हैं? प्रेमियों, कबीर साहब कहते हैं कि नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु, तिरिया पशु, संसार कहे कबीर सो पशु नहीं जाके विमल विचार। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में चार प्रकार के पशु हैं। ये पूरे तथा पक्के पशु भीतरी आंख से अंधे हैं, रूहानियत से अंधे हैं, वे बाहरी आंखों से देखते हैं, फिर भी इन्हें अंधों के समान समझा जाता है। ये चारों जीव, ये चारों पशु मूर्खता ना समझी के खूंटे के साथ बंधे पड़े हैं। अब आइए, महापुरुषों ने इसके बारे में क्या विस्तार किया है कि नर पशु क्या होते हैं, गुरु पशु क्या होते हैं, वेद पशु क्या होते हैं और तिरिया पशु क्या होते हैं। प्रेमियों, नर पशु पशु रूपी वह मनुष्य है जो बिना जांचे किसी के कहने से विश्वास करके उसका पीछा करना लगे। जो कान का कच्चा हो, जैसे किसी ने कहा कि वह कौवा तेरा कान लिए जा रहा है, तो वह मूर्ख व्यक्ति, वे तो टटोलते नहीं, अपने कान को तो देखते नहीं, उस कौवे के पीछे पड़ लेते हैं। इस प्रकार का नर पशु व्यक्ति अपने मन में नहीं सोचता कि मैं उसके कहने का विश्वास क्यों करूं, मेरे कान तो मेरी देह में है, मेरे शरीर में है, पर वह कहता है कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य जो कहता है उसकी बात झूठी कैसे हो सकती है। इस पर महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। प्रेमियों, एक राजा था, उसके पास एक बड़ा श्रेष्ठ बुद्धिमान मंत्री था। अब वो राजा तो मूर्ख था, यानी नर पशु था। उसके मंत्री का नाम मृच्छु था। अब इस मंत्री से समस्त दरबारी बड़ी शत्रुता रखते थे। वे सब चाहते थे कि वह मंत्री किसी प्रकार हट जाए तो हम राजा को आराम से लूट सकेंगे, किंतु वह मंत्री, वह मृच्छु बड़ा चैतन्य रहता था, बड़ी नमक हलाली के साथ काम करता था और राज्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होने देता। एक बार इस राजा को किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करने की जरूरत हुई। अब जो दुश्मन राजा था, उसका किला बहुत ही शक्तिशाली था, उसका टूटना मुश्किल था। समस्त अन्याय, समस्त कर्मचारियों ने, समस्त मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि राजन, ऐसे मौके पर
मंत्री मृत्यु को भेजना उचित होगा। अब वे सोचते थे कि जिसमें वह जाएगा तो वहां पर मारा जाएगा। सबने मिलकर राजा से कहा कि राजन, आप इस युद्ध में मृत्यु मंत्री को भेज दो तो वह दुर्ग, वह किला हमें मिल जाएगा। अब राजा ने इस बात को मान लिया और मृत्यु मंत्री को वहां भेज दिया। प्रेमियों, जब वह मंत्री वहां पर गया तो उसने लड़ाई करके जंग जीत ली और उस किले को अपने हाथ में ले लिया। समस्त बैरी उसके अधीन हो गए। तब उस मंत्री ने अपने शत्रु से आपस में सलाह की, परामर्श की, तो मृत्यु विजयी हो गया। इस राजा के सामने उसकी बड़ी मान मर्यादा होगी। अब सब मंत्री सोचने लगे कि अगर राजा को बताया गया कि मृत्यु तो विजय हो गया, उसने दूसरे शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, तो राजा उसकी मान मर्यादा को बहुत ऊंचा कर देंगे, हम जैसे लोगों का निरादर होगा, इसलिए अब कुछ और धोखा करना चाहिए। तो प्रेमियों, दूसरे मंत्रियों ने आकर राजा से कहा कि महाराज, मृत्यु तो मारा गया और हम लोगों ने दुश्मन राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। अब मृत्यु मंत्री तो भूत हो गया है, इस राजा को विश्वास हो गया क्योंकि वह नर पशु था। प्रेमियों, उसने मृत्यु के स्थान पर दूसरा मंत्री रख दिया। जब मृत्यु ने सुना कि राजा ने दूसरा मंत्री रख दिया, तब उसको संसार से बड़ी घृणा हो गई। मालिक के भजन में लग गया। प्रेमियों, उस मंत्री के दुश्मनों ने उस राजा को सिकला रखा था कि मृत्यु भूत बनकर फिर रहा है, यदि वह आपके सामने आए तो उसे कदापि आने नहीं देना, उसको देखकर भगा देना। उन्होंने राजा को बताया था, अगर आप नहीं भगाओगे तो जो कोई उसके समीप जाता है वह उससे चिपट जाता है। यह बात राजा के मन में बैठ गई। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहां पर मृत्यु मंत्री एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन में लीन था। जब राजा वन में गया तब मृत्यु मंत्री को वृक्ष के नीचे देखकर जान लिया कि यह तो मेरा वही मंत्री है जो भूत बना हुआ है। ऐसा न हो कि यह भूत मुझे खा जाए, मुझे मार दे। राजा ने तुरंत ही अपना घोड़ा दौड़ाया और वहां से भाग गया। प्रेमियों, उस नर पशु को तनिक भी सुध नहीं थी कि इस बात को जान ले, इस बात का अच्छी तरह से टाल टटोल कर उसके अंत तक पहुंच जाए। प्रेमियों, ऐसे व्यक्ति नर पशु के समान बताए गए हैं। इसी तरह महापुरुष बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने नौकरों को घाट पर भेजा कि धोबी से वस्त्र धोने को दे दो। जब मंत्री, जब नौकर घाट पर धोबी के पास गया तो देखा कि धोबी तो बुरी तरह से रो रहा है। इस धोबी को रोता देखकर राजा के उस नौकर ने पूछा कि तू क्यों रोता है। उसने उत्तर दिया कि मेरा सुंदर मर गया है। अब उसे रोता देखकर
वह नौकर भी रोने लग गया और रोता हुआ राजा के पास लौट आया तो राजा ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है। उस नौकर ने उत्तर दिया कि महाराज सुंदर मर गया। अब उसे रोता देखकर राजा भी रोने लगे। राजा भी रोते रोते सुंदर का नाम लेते रहे और जोर जोर से रोने लगे। राजा के रोने से राजा के महल की समस्त रानियां, समस्त नगर सुंदर सुंदर कहकर रोने लगे। कुछ समय के बाद राजा का मंत्री आया। राजा को रोते देख समस्त नगर को विलाप करते देख उसने पूछा कि ऐ महाराज, आपके इस विलाप का क्या कारण है? समस्त नगर में ऐसा शोक क्यों फैला हुआ है? तब राजा ने कहा कि मंत्री, सुंदर मर गए। अब मंत्री ने पूछा कि सुंदर कौन था? प्रेमियों, राजा ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, मेरे नौकर को रोता देखकर मैं भी रोने लग गया। मंत्री ने उस नौकर से पूछा कि सुंदर कौन था जिसकी वजह से तू रो रहा था? प्रेमियों, उस नौकर ने उत्तर दिया कि मैं भी नहीं जानता, किंतु वह धोबी सुंदर सुंदर करके रो रहा था, उसको देखकर मैं भी रोने लगा। तब मंत्री ने उस धोबी को बुलाया और पूछा कि तू बतला कि सुंदर कौन था जिसकी वजह से तू रो रहा था? प्रेमियों, धोबी ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गधे का बच्चा था, उसका नाम मैंने सुंदर रख दिया था। उसको मैं बहुत प्यार करता था और आज घाट पर वह मर गया, उसके दुख में मैं रो रहा था। इतना सुनते ही उस मंत्री की हंसी आ गई। प्रेमियों, ऐसे व्यक्ति जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, कान के कच्चे होते हैं, वे नर पशु के समान होते हैं, क्योंकि वे बात की तह तक नहीं पहुंचते। ऐसे ऐसे तीन पशु और बताए हैं महापुरुषों ने। महापुरुष बताते हैं कि ऐसे पशु गुरु पशु, ऐसे इसी प्रकार के जो पशु हैं वेद पशु, और चौथे तिरिया पशु जो इस संसार में विचरते हैं। हर एक के बारे में हर एक के विस्तार के साथ हम जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार पशु के समान है। मनुष्य शरीर मिलते हुए भी वह अपनी बुद्धि को नहीं दौड़ाता, अपनी अकल को नहीं दौड़ाता, पशुओं के समान वह इस संसार में विचरण कर रहा है। तो प्रेमियों, उसके बारे में आने वाली सत्संग की वीडियो में हम जानेंगे और किस प्रकार इस जंजाल से हम निकल सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हर एक रूहानी बातें, हर एक रूहानी सत्संग, जीवन में काम आने वाली वो बातें, रूहानियत की बातें, परलोक बनाने वाली बातें, इस लोक को सुधारने वाली बातें, हर एक बात के बारे में हम सत्संग के माध्यम से, संत महापुरुषों की वाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, हम सुनेंगे। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।